काका बाबा बदन राम राम हूँ आवी गयो तमारी सा मुकेश परमार खबर लेने जेवी रीते बात करी खास करीने आज झाबुआ ने जो प्रभारी मंत्री बनावेलो अने की कुंवर विजय सिंह शाह तो आज झाबुआ पुगेलो आज तीनों पहलो दौरो अने एनी बाद तीने लगातार आज सर्किट हाउस पुग्यो दिनभर नी कार्यक्रम हूँ तो तीना थी प्रशासनिक तौर पर एनी बाद फेर जेवी रीते आज दिनभर थाई काटी कि सुबह नाश्ता करवा गयो मंत्री तो एसी ट्रैवल मैडम क्या एसी ने माध्यम थी केड़ो खावा गया केड़ो कासो निकलो ए बड़ी कहानी साली नास्तो भी सही समय पे बराबर ताजो नहीं मिलो लेकिन तिनी हारो प्रशासन के रिहाई थो गेलो गेल मार्ग तो सर्किट हाउस हो रही फिर पासा जेम तेम फोटो इन लायो फिर सर्किट हाउस का पासो जो फिर कार्यकर्ता हाथ मिलो फिर बातें करियो फिर प्रशासनिक समीक्षा करी यानी अलग अलग विभाग में जानकारी लेती सरकार ने कितनी योजना कितना अधिकारी कर्मचारी तीन बारह तो उन्होंने समीक्षा करी बात करी खड़ा चार वगे मीडिया हाथ बात करवाने थी लेकिन मीडिया ने पाँच वगे लगातार टाइम बढ़ा था मीडिया वाला भी नाराज था गया आने साई नहीं घूमटी पर बैठा आप मंत्री मलवो है तुम्हारी के हाँ मंत्री मलवा फिर साई हाथ हाथ जोड़े माफी मांगी थी हाँ हवाड़ा समय दौरा में अगर हूँ आई पहले मीडिया बात करी एक समय निश्चित कर दी एवं रीते बात करूँ मंत्री समझाड़वा पत्रकार की माफी मांगी एवं बड़ी बातें थे आज घना अधिकारियों ने फटकार भी पड़ी कि तूने काम काम करी तूने काम नहीं करी कई रीते बातें निकली ना लेकिन आज सुबह थी आवे तो पहले झाबा में पहली बार मैंने कि प्रभारी मंत्री पहले दौरो आज आज दिन भर में पूरी कहानियों साझी आखिर फिर ने बात प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी एंड मीडिया फोटो भी एंड फोटो पार्टी ने बातें करियो कि हूँ माफी मांगी हो आर्थिक अच्छी चाहिए माफ करो ये व्यक्ति बड़ी बातें की इना बदा पूरा मामला पर आखिर तुमने झाबा जो प्रभारी मंत्री से अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय से निकल रीते निकल तीन मंत्रालय आने मिले एंड झाबा प्रभारी मंत्री से कुंवर विजय शाह दह पंद्रह साल पहले भी प्रभारी मंत्री रहे झापानी प्रभारी मंत्री ने बने बी कड़ी जनजाति विभाग की एसी ट्रैवल विभाग मंत्री ने उन्होंने भी एसी ट्रैवल मंत्रालय से सरकार ने यही बड़ी बातें थे आखिर तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हाँ सुबह थोड़ा नारायण की भी नजर आई थी खाना खाता नहीं हूँ रोटी खाता नहीं हूँ मटन मच्छी खाता नहीं हूँ बाकी किसी व्यसन में हूँ नहीं तो मेरी अपनी व्यवस्था रहती है जो बहुत मुझे 15 किलो वजन कम करना 5 किलो कम हुआ है उस हिसाब से थोड़ा मेरा डाइट चार्ट रहता है बाकी मैं बाहर का कुछ खाता नहीं हूँ तो इसलिए थोड़ी समस्या होती है और कुछ सर स्कूलों में जय हिंद वापस वाकई में हो पाएगा आदेश की कॉपी मैं लेके आया स्कूलों में शिक्षा मंत्री था बच्चे यस सर उपस्थित मैडम बोलते थे मेरा अपना मानना है कि जय हिंद बोलने से हमें गर्व के होता है महसूस होता है और बच्चे जय हिंद बोलेंगे तो कहने के देशभक्ति का जज्बा जागता है सब मेरा मान तो ऑर्डर मैंने किए ऑर्डर की कॉपी लाया बच्चे जनगण मन रोज गाए राष्ट्रीय गान है झंडा वंदन रोज हो तिरंगे का मान सम्मान स्वाभिमान हो उसके आदेश भी लाया हूँ और जो कमजोर बच्चे थे वो हमेशा पीछे बैठते थे टीचर कभी आगे बैठाती हैं उसके आदेश भी मैं लाया हूँ कि कई बार देखने में आता है कि उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा और इसलिए अभी जाने के पहले तीनों आदेश आपको देखे जाऊँगा कि उसका पालन ठीक से हो ये हमने प्रभार के जिलों के कलेक्टरों से कहा तो बाकी जिलों में भी जो हमारे प्रभारी मंत्री उसका पालन कराएंगे क्योंकि ये विजय शाह का आदेश नहीं है ये मध्य प्रदेश शासन का आदेश है और आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे रोटेशन झंडा वंदन जय हिंद ये तीनों चीज़ें ऐसे हैं जिसमें कोई मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है देश और समाज आने वाली देश की पीढ़ी को उससे प्रेरणा ही मिले तो के आदेश कॉपी में आपको देखेंगे आज आपने आदिवासी संग्रहालय खोले जाने की बात कही है उद्यान में जब वक्त थे आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने झाबुआ जिले को जिस तरीके के उद्यान वेस्टेज से बनाया है वास्तव में दिल को छू लेने वाला
प्लास्टिक से क्या नुकसान होते हैं और प्लास्टिक हमारे जीवन को कैसे नुकसान पहुंचाती है, उसको वेस्ट को बेस्ट करना आज हमने देखा, प्रधानमंत्री जी ने देखा, और इसको रिसाइकल करते हुए हम और कैसे प्लास्टिक मुक्त शहर बनाए। मैंने नगर पालिका से कहा है कि हर घर में, ये 10-15 हज़ार घर बता रहे थे, एक झोला दें, और गांव वालों से, शहर वालों से ये अपेक्षा करें कि प्लास्टिक में कोई भी सामान घर पे ना लाए। झोले के अंदर 5-7 खंड होते हैं। मेरी श्रीमती जब महापौर थी तो उन्होंने पूरे शहर में बांटे थे, तो प्रेरणा भी होगी, नगर पालिका का संदेश भी होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी हमने उस समय स्लोगन लिखा था, और प्लास्टिक घर में ना आए, उससे आने वाले समय में हम एक निश्चित रूप से लोगों को प्रेरणा देंगे। सर, आपने कहा कि मन की बात में जो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वेस्ट को वेस्ट बनाने की बात की, उन्हीं कर्मचारियों को अभी तक 3 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली, उसके लिए आपका क्या? अभी हम वो भी देख रहे हैं, नगर पालिका का काम है, तनख्वाह भी मिलेगी, कुछ समस्या होगी तो मैं बात कर लूँगा। उनको सबको मैंने सलूट किया है, 8 कर्मचारी को मैंने मेरी तनख्वाह में से 2100 रुपये दिए। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, उनका सम्मान, उनको सलूट कि बेटा एक जोड़ी कपड़ा लो, 2100 रुपये एक सम्मान निधि, ताकि कुछ प्रेरणा मिल सके, मैंने अपनी तरफ से उनको दी है, ताकि और अच्छा काम में उनका मन लगे। वो इस समय देखो आपकी वो 2100 रुपये, लेकिन अच्छा काम उन्होंने किया है, झाबुआ का नाम प्रधानमंत्री तक रोशन किया है। तो निश्चित रूप से ऐसे कर्मचारी को जैसा आपने बताया छोटी मोटी समस्या। आपने जनजाति संग्रहालय को लेकर के वहाँ पे बताया कि झाबुआ जिले में जनजाति संग्रहालय बनाया जाना चाहिए, पर वस्तु स्थिति ये है कि 2018 में यहाँ पे एक जनजाति संग्रहालय का उद्घाटन हो चुका है जो कभी भी नहीं खुला। आपसे पहले जो प्रभारी मंत्री थे उसको उद्घाटन कर रहे थे, कहाँ पे ये जानकारी नहीं, बंद पड़ा हुआ था। मेरे तो मन में आज आया कि हमने छिंदवाड़ा में आदिवासी संग्रहालय बनाया, हमने भोपाल में आपने देखा होगा मैंने ही संग्रहालय बनाया, एक छोटा मोटा संग्रहालय बनना चाहिए, मुझे नहीं मालूम पिछले क्या किया क्या नहीं। सर, उससे अभी हम रिपोर्ट ले रहे हैं मैडम से, कितने में बन सकता है, क्या बन सकता है, एक रिपोर्ट जाने के बाद भोपाल में निश्चित रूप से प्रभारी मंत्री के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री को सहमत कराने का प्रयास करूँगा। बहुत बड़ा ट्राइबल जिला है, बॉर्डर का जिला है, यहाँ अगर संभव हो तो जरूर बने। अच्छा, स्कूल छात्र सर आपसे मिलना आना चाह रहे थे, उनको छात्रों की नहीं मिल रही है, कई जगह किताबें नहीं मिल रही हैं, तो उसमें निरा का इशू है, लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल उनको आपसे मिलने जाने दे रहे हैं। नहीं, उसमें अभी हम लोगों ने तय किया है, हर महीने मैं स्वयं इनका भोजन जब कुछ करता नहीं अच्छा वाला खाता, लेकिन औचक निरीक्षण करने में छात्रावास में जाऊँगा, और बिना बतला है जहाँ आप लोग बताओगे सबसे ज़्यादा समस्या है छात्रावास की, वो आप बता देना, व्हाट्सअप कर देना, वहाँ जाके औचक निरीक्षण करूँगा, खाना खाऊँगा, बच्चों से मुलाकात भी हो जाएगी, और हर बार जब भी आऊँगा दिन का भोजन बच्चों के साथ ही करूँगा। हर छात्रावास के लिए एक महिला या एक पुरुष जो हमने निश्चित किया, महीने में एक बार जाएगा और उन बच्चों से मिलेगा, और उनकी क्या समस्या है उसके लिए चिंतित करेगा। सारे IAS अधिकारियों को हमने निर्देश दिए मुख्यमंत्री जी ने, छात्रावासों में जाकर के बच्चों की समस्याओं का स्थायी निदान के लिए वो काम। सर, 3 साल हो गए अभी तक स्कूली छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है, छोटी छोटी बहुत सी समस्या हो सकती है। सर, काफ़ी समय हो गया है, उस बात से मैं इनकार नहीं करता, जितनी भी समस्याएँ थी कि हमारे पास जो आवेदन निवेदन आए थे उनको मैंने कलेक्टर महोदय को दिया है, जितने भी आवेदन करके सर, और कलेक्टर महोदय को कहा है ये खिड़की बनाओ कि जहाँ पर प्रभारी मंत्री के जो आवेदन है उनको आदमी ने जो दिया है, टीएल बैठक होती है सोमवार को, कलेक्टर महोदय हर विषय देखती है, काम करती है। आज मैंने एक कलम और जोड़ा के आया है, प्रभारी मंत्री की डाक है उसकी भी एक कलम करो, 7 दिन में कलेक्टर महोदय उसकी समीक्षा करेंगे, जो काम वो कर सकती है करके सूचना देंगे, जो काम वो नहीं कर सकती मंगलवार को संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारी भोपाल लेकर के कलेक्टर की अनुमति लेके आएगा, और अगर वो भोपाल से पेंडिंग होगा तो मैं सोमवार मंगलवार भोपाल रहता हूँ, वो तो मुझसे भोपाल में कराने का प्रयास करेगा, तो मैं समझता हूँ एक नई परंपरा हम लोग डालना चाहेंगे।
एक से ये पूरे मध्य प्रदेश में जो बीएड के कर्मचारी थे, उन्होंने शिक्षक थे, उनको प्राथमिक शिक्षक से हटाया जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार का आदेश प्राप्त हो रहा है। कितने शिक्षक प्रभावित होंगे सर, और उनका फिर आगे क्या सरकार जिन्होंने बीएड कर रखा है उनको प्राथमिक शिक्षक से हटा रहा है? बीएड कंपलसरी आज ही लोग शिक्षा सरकार का जो हम लोग उनके आदेश को पालन करते हैं कि मूल विभाग शिक्षा का शिक्षा विभाग, हम तो उसका पालन करते हैं। मैंने देखा नहीं है अभी कुछ गलत नहीं है। सर, एकलव्य आवासीय विद्यालय आदिवासी बच्चों के लिए बनाए हुए हैं, जिले में 5 संस्थाएं हैं, तो उनके लिए शासन ने पूरा नया स्टाफ नियुक्त किया है जो केंद्रीय सरकार के वेतनमान के अनुसार है। पर जिले में उनको जो नया स्टाफ है, नए प्राचार्य, उनको आधे अधूरे अधिकार दे रहे हैं। उनको आहरण वितरण के अधिकार ज्वाइनिंग के 2 महीने बाद तक नहीं दिए हैं, वो माध्यमिक शिक्षक ही संभाल रहे हैं। भारत सरकार ने अपनी व्यवस्था लागू की, अभी इसी महीने या अगले महीने हमारे देश के जो ट्राइबल मंत्री, सारे देश के ट्राइबल मंत्रियों को मीटिंग कर रहे हैं। और ये जो समस्या आ रही है कि अगर एकलव्य विद्यालय के बच्चे ने प्रिंसिपल ने पढ़ाया नहीं, टीचर ने नहीं पढ़ाया, तो उसको हटाने का अधिकार भी हमको दिया। तो हमारा ये कहना है कि भाई जैसे पहले अधिकार थे, अगर एकलव्य विद्यालय का प्रिंसिपल कुछ गड़बड़ कर रहा है, नहीं पढ़ा, तो हम देश के मंत्री, हमको उनको देश की प्रदेश में हटाने का अधिकार तो कुछ समस्या है लेके हम बात करें। सर, झाबुआ जिले में 58 विद्यालय ऐसे हैं जो जर्जर हैं, और परियोजना अधिकारी का ये कहना है कि बजट सारे विद्यालय की 1 महीने के अंदर हमने रिपोर्ट बनाई, हमारे अधिकारी 1 महीने के अंदर पूरी रिपोर्ट देंगे। झाबुआ जिले के उनसे विद्यालय में रिपेयरिंग की जरूरत है, उनसे विद्यालय नए बनना है, इसके लिए कितने पैसे की व्यवस्था है, 1 महीने के अंदर हमारे पास पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, और उसके बाद फिर हम संभव जो सरकार की व्यवस्था होगी उसको ठीक करने का। सर, झाबुआ जिले में 3,000 बच्चे जो शाला त्यागी थे उनको तो ले आए हैं, लेकिन जो पलायन पे जाते हैं बच्चे, उनके लिए क्या आप करेंगे? उनके लिए मोटिवेशन करना चाहिए। हमारे जो ग्राम पंचायत के सदस्य सचिव हैं, महिला बाल विकास के अधिकारी हैं, या हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, वो लोग मोटिवेट करें। अगर ऐसा लगता है तो हम हमारे जिलाधिकारी को भी भेजेंगे जहाँ ज़्यादा पलायन हो रहा है जहाँ के बच्चे, और आप लोग भी थोड़ा सा बोलो, आपको लगता है कि ये गांव में ज़्यादा हो रहे, अगली बार मैं आपके साथ चलूँ। आपके लिए 3 जगह भोजन तैयार कराया प्रशासन ने, आप कहाँ करेंगे? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सर, एक 558 जो स्कूल थे उसमें से 39 के लिए 25 लाख का बजट भेजा, तो बाकी के स्कूलों का क्या होगा? 39 के लिए ही बजट पारित, बजट की कोई कमी नहीं है। रिपोर्ट बुला करके देखेंगे बात कर रहे हो। पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट अगर जब तक पूरा नहीं होता तो पैसा कई बार अटक जाता है, और ऐसे कोई कमी नहीं है।